हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो थर्ड टाइप की मैपिंग है सेट एसोसिएटिव। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट और फुली एसोसिएटिव मैपिंग का। कैसे, हम इस वीडियो में विद एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ, अगेन मेन मेमोरी। मैंने सेम ही एग्जांपल, मतलब ये जो मैंने साइज लिया है मेन मेमोरी का या कैश मेमोरी का, जो मैंने साइज लिया है, डायरेक्ट मैपिंग, फुली और सेट एसोसिएटिव मैंने सेम रखा है, ताकि आप कंपेरिजन भी कर सको कि डायरेक्ट में कैसे काम करते हैं, फुली एसोसिएटिव में कैसे और सेट में कैसे। तो देखो, यहां पे भी मैंने मेन मेमोरी का साइज कितना लिया है, 128 वर्ड्स। अब 128 वर्ड्स, जैसा कि हम वर्ड्स को बाइट भी मान सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एक वर्ड एक बाइट के बराबर है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली दिया हो कि एक वर्ड दो बाइट के बराबर है या चार बाइट के, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हम यहां पर सिंपल ले रहे हैं कि 128 वर्ड्स की मेमोरी है, हरेक ब्लॉक में चार वर्ड आ सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे को अगर निकालने हैं तो कितने आएंगे, 32 टोटल साइज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स एक ब्लॉक के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 32। तो देखो, मैंने 0 से लेके 31 तक बना लिया। अब यहां पे मेरे पास कैश, कैश का साइज है 16 वर्ड्स, और 16 वर्ड्स का मतलब है कि टोटल वर्ड 16 आ सकते हैं, लेकिन एक लाइन के अंदर कितने आ सकते हैं, 4। रीजन उसका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वीडियोस में कि लाइन साइज और ब्लॉक साइज जो है वो सेम रखना है। मतलब ये लाइन का साइज और ब्लॉक का साइज हमेशा फिक्स होता है, सेम होता है। तो यहां पे मेरे पास 4 और 4, तो यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या आ गई, 4। तो देखो, लाइन 0 1 2 3, ये तो है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेट एसोसिएटिव मैपिंग में या के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में आपको यहां पे दिया होगा के की वैल्यू, मतलब ऐसे दिया होगा टू वे सेट एसोसिएटिव, फोर वे सेट एसोसिएटिव या 8 वे सेट एसोसिएटिव, 16 वे सेट एसोसिएटिव, इस तरीके से दिया होगा। लेट्स से हम यहां पे ले रहे हैं कि मेरे पास जो मेमोरी है वो 2 वे सेट एसोसिएटिव है। तो मतलब क्या है इसका, कि नंबर ऑफ सेट मेरे को यहां पे निकालने हैं। नंबर ऑफ सेट आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए नंबर ऑफ लाइंस, जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ के। मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसमें, कैश में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है, कितनी है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस, 4, हमने ऑलरेडी निकाला यहां पे, डिवाइड बाय के। के का मतलब है के वे सेट एसोसिएटिव। तो क्वेश्चन में आपको 2 दिए, 4 दिए, 8 दिए, पावर ऑफ 2 में दिया होगा हमेशा, तो जो भी दिया उससे आप डिवाइड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने आ गए यहां पे, 2। पहला पॉइंट में पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ सेट यहां पे कितने आ गए, 2, और लाइंस कितनी है, 4। तो देखो, यहां पे इस पूरे को हमने 2 सेट में डिवाइड कर दिया। तो देखो, ये मेरे पास 2 सेट बन गए। इसको आप बोल दो सेट नंबर 0, इसको आप बोल दो सेट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट है किसका, सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कि ब्लॉक को हमने मैप करना है यहां पे, कैश के अंदर हमने ब्लॉक को लेके आना है, तो कौन सा ब्लॉक किस जगह पे आएगा, ये कॉन्सेप्ट है मैपिंग का। तो देखो, के वे सेट एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, ब्लॉक नंबर 0, मैं ऑलरेडी, आप इसको नोट कर लेना, ब्लॉक नंबर 0 अगर हम बात करें, तो ब्लॉक नंबर 0 हमारा ये वाला पहला ब्लॉक जब भी आएगा, कैसे आएगा, जब आपको ब्लॉक को लेके आना है, तो पहले आपको यूज करना है डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको यहां पे के मॉड एन का फंडा यूज करना है। के मॉड एन का मतलब क्या है, कि के इज व्हाट, द ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर क्या है, 0, मोड एन, एन क्या है, डायरेक्ट मैपिंग में होता है नंबर ऑफ लाइंस, लेकिन सेट एसोसिएटिव मैपिंग में आपको लेना है नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट लेना है, ये पॉइंट याद रखना। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव। तो पहले हमने डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया, के मॉड एन, लेकिन एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेट। तो देखो, नंबर ऑफ सेट हमने कितने निकाले थे, 2, तो यानी 0 मोड 2। तो 0 मोड 2 किया, मतलब ब्लॉक नंबर 0 कहां पे आएगा, सेट नंबर 0 में। लेकिन सेट नंबर 0 में कितनी लाइन है, ऑब्वियसली आएगा तो ये लाइन के अंदर, लेकिन कौन सी लाइन, लाइन 0 या लाइन 1, किसी भी लाइन में आ सकता है। तो यानी एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव। मतलब बी नॉट आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, दोनों में से कहीं पे भी आएगा, लेकिन यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये सेट 1 है। लेट्स सपोज B1, ब्लॉक नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो ब्लॉक नंबर 1, 1 मॉड 2, 2 इज द नंबर ऑफ सेट, तो क्या आया, 1।
यानी ब्लॉक नंबर वन कहां पे आएगा, सेट नंबर वन में। तो कहां पे आएगा सेट नंबर वन में, इस लाइन में भी आ सकता है, इस लाइन में भी आ सकता है, दोनों में से किसी भी लाइन में आ सकता है, दैट इज अ सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है डायरेक्ट और एसोसिएटिव का, इसको हम बोलते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ऐसे अगर हम बात करें बी टू, तो B2 यहां भी आ सकता है, यहां भी। B3 की बात करें तो यहां भी आ सकता है या फिर यहां। ऐसे B4 की बात करें, यहां पे आ सकता है, यहां पे। B5 की बात करें, यहां पे आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज करना है। तो करते करते अगर हम बात करें यहां पे, लास्ट में हमारे पास B30 यहां पे आ सकता है, B30 यहां पे भी आ सकता है, और मेरा जो B31 लास्ट वाला जो ब्लॉक है ये वाला, वो यहां पे आ सकता है या फिर वो यहां पे आ सकता है। तो ये मेरा था सेट जीरो, ये है मेरा सेट वन। ये कॉन्सेप्ट है किसका, सेट एसोसिएटिव का। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैपिंग। मैपिंग का मतलब है आप निकालो कि हमारे पास जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, जो ये सिंपल हम फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, वो सेम वही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक ऑफसेट। तो देखो टोटल हमारे पास 128 वर्ड्स हैं, मतलब 7 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रेस टू पावर 7 बिट, जिसमें से ब्लॉक ऑफसेट कितना है, 2 बिट का। 2 बिट का मतलब है 4, 2 रेस टू पावर 2 मतलब 4, तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ सकते हैं, 4। तो यानी बाकी का मेरा क्या बचा, 5। ब्लॉक नंबर मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 नहीं है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 2 रेस टू पावर 5। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी बिट लगेंगी, 5। तो देखो 2 रेस टू पावर 5, 0 से लेके 31 तक आपके 32 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए। तो ये तो था मेरा नॉर्मल फिजिकल एड्रेस, लेकिन जब हम उसको कैश मेमोरी के अंदर लेके आएंगे, तो हमने यहां पे मैपिंग की, तो मैपिंग में मेरा जो ब्लॉक ऑफसेट वाला है वो आपका सेम रहेगा, ब्लॉक ऑफसेट आपका सेम वही 2 बिट का ही रहेगा, लेकिन जो ब्लॉक नंबर है उसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। पहला सेट नंबर, डायरेक्ट मैपिंग में ये क्या होता है, लाइन नंबर, हम फिक्स कर देते हैं कि इस लाइन में या इस लाइन में या फिर इस लाइन में या इस लाइन में, लेकिन यहां पे हम क्या फिक्स कर रहे हैं, सेट, कि या तो इस सेट में या इस सेट में। तो सेट नंबर और बाकी की बिट क्या बची, टैग। तो देखो सेट नंबर यहां पे कितना आया, 2 बिट तो हमारा ब्लॉक ऑफसेट के लिए आ गया, क्योंकि जितने भी ब्लॉक आएंगे उन ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड में, हर एक ब्लॉक में 4-4 वर्ड है, तो 2 बिट हमारी फिक्स हो गई। सेट नंबर, सेट नंबर मतलब नंबर ऑफ सेट कितने हैं, नंबर ऑफ सेट कितने, 2। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 1 बिट यहां पे लगेगी, 0 एंड 1, सेट नंबर 0, सेट नंबर 1, तो 1 बिट यहां पे फिक्स हो गई। तो बची कितनी यहां पे पीछे, 4 बिट बची। तो टैग हमारा बेसिकली होता क्या है, टैग बताता है कि आपके कितने ब्लॉक जो है वो एसोसिएटिव हो सकते हैं, मतलब कितने ब्लॉक आपके मैप हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इस लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन में बी नॉट, बी टू, बी फोर करते करते आपके कितने आ सकते हैं, कितने मैप हो सकते हैं, आएगा तो ऑब्वियसली एक ही, लेकिन टोटल कितने आ सकते हैं, 16 में से कोई भी आ सकता है। देखो बी नॉट, बी टू, बी फोर, बी सिक्स, बी एट करते करते टोटल 16 में से कोई भी, यहां पे भी 16 में से कोई भी, यहां पे भी 16 में से कोई भी, और यहां पे भी 16 में से कोई भी। तो यहां पे बी वन, बी थ्री, बी फाइव करके सारे ऑड जो है वो यहां पे आ सकते हैं, या फिर यहां पे इवन वाले सारे, या तो यहां पे या यहां पे। तो 32 में से टोटल 32 है, तो 16 इवन वाले हो गए, 16 आपके ओड वाले हो गए। तो यानी टैग बिट आपकी 4 बिट की होगी। तो देखो 4 बिट का मतलब क्या है, 2 रेस टू पावर 4, दैट इज 16, तो वही हम यहां पे बोल रहे हैं। तो टैग बिट आपकी कितनी हो गई, 4 बिट की यहां पे टैग हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, आपका सेट एसोसिएटिव का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट नंबर पे जाएंगे। लेट से कि हमारे पास कोई भी एक एड्रेस दिया हुआ है, कोई भी सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, लेट सपोज 0 0 1 0 0 0 0, कुछ भी एक, कोई भी हम एड्रेस लेते हैं 7 बिट का, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो अब हमने क्या किया, हमें पता कि पहली जो 4 बिट है वो टैग है, फिर एक बिट है वो क्या है, सेट नंबर, और लास्ट में क्या है हमारा, ब्लॉक ऑफसेट। तो देखो 0 0 1 0 का मतलब क्या है, टैग, और टैग की बिट क्या बता रही है, 0 0 1 0 मतलब यहां पे 2। सेट नंबर क्या है, 0, तो सेट नंबर 0 मतलब आप पहले इस सेट में जाओ, ये आपका सेट नंबर 0। तो सेट नंबर 0 में हम गए, सेट नंबर 0 में हम जाके टैग को उठाएंगे, टैग बिट को उठाएंगे, तो यहां पे इस टैग को उठाएंगे और इस टैग को उठाएंगे। तो इस टैग को जब हमने उठाया,
उसको हमने कंपेयर किया किससे, इस टैग से। अगर ये वाला टैग और ये वाला टैग मैच कर रहा है, यानी इस टैग में कि अगर 0010 है तो यानी इसको हम बोल देंगे कैश हिट। अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले में अगर 0010 है और यहां पे भी 0010, तो देखो इन दोनों को कंपेयर किया तो यानी मेरा हिट हुआ, अदरवाइज मेरा क्या होगा, मिस होगा, क्योंकि आएगा तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक ही या तो यहां पे या यहां पे। तो मेरे दो कंपैरेटर, मतलब दो कंपैरेटर से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि यानी या तो मेरा यहां पे होगा या फिर वो मेरा एड्रेस यहां पे होगा। सेट आपका बता देगा, सेट नंबर जो है आपको बता देगा कि इस सेट में जाना है या इस सेट में आपको जाना है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। तो इस तरीके से हम जो है वो मैपिंग करते हैं, जो भी ब्लॉक हमारे पास आता है उस ब्लॉक को हमने पहले सेट में डालना है डायरेक्ट के कॉन्सेप्ट के थ्रू, और फिर एसोसिएटिव का मतलब क्या है, वो कहीं पे भी आ सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी, के वे सेट एसोसिएटिव। थैंक यू।